हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि आईएएस चैनल। आज हम बात करेंगे पिग्मी हॉग्स के बारे में। सो आप यहाँ पे जो एक फ़ोटो देख रहे हो, ये है पिग्मी हॉग्स। सो बेसिकली ये जो है वर्ल्ड में ये रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है। ओके, ये क्या है, एक जो कि वर्ल्ड में बहुत ही कम मिलता है एंड इसका जो है साइज जो है बहुत स्मॉल है। जो आप लोगों ने पिग देखा होगा, सो ये एक वाइल्ड पिग है, ये एक स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है। इसके बारे में बात करेंगे, ये क्यों अभी न्यूज़ में है। सो ये जो है अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है मानस नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द आईएएस पीसीएस एंड आईएफएस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन में कवर होता है। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। सो रिसेंटली 8 जो कि कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉग्स को, ठीक है, इसको रिलीज किया गया है मानस नेशनल पार्क में, ये असम में। सो ये जो है सेकेंड बैच है जो कि री इंट्रोड्यूस किया गया है इनटू द वाइल्ड अंडर द पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो यहाँ पे PHCP जो कि है इसका जो फुल फॉर्म है पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम जो एक कोलाबोरेशन, ठीक है, ये एक कोलाबोरेशन है। कोलाबोरेशन किसके साथ है इसको भी हम देखेंगे। सो बेसिकली ये जो कोलाबोरेशन है अमंग द डोरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, ये कहाँ पे है ना, UK में, देन आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देन वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सब का जो कि कोलाबोरेशन है ये जो प्रोग्राम है। सो करेंटली देखेंगे बींग द इम्प्लीमेंटेड बाय द NGOs का कौन सा है ना, अरण्यक एंड इकोसिस्टम इंडिया। कंजर्वेशन ऑफ पिग्मी हॉग वाज जो कि है इनिशिएटेड हुआ था, कब हुआ था ना, नेचुरलिस्ट जनरल डूरेल एंड हिज ट्रस्ट इन द 1971। पिग्मी हॉग वाज ब्रॉट बैक फ्रॉम द नियर एक्सटिंक्शन बाय द पार्टनरशिप एफर्ट एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द एंटायर रेंज। सो बेसिकली ये जो पिग्मी हॉग है इनका जो कि पॉपुलेशन बहुत ही कम हो रहा था, सो उस टाइम में ये जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है बाय द डोरेल का द्वारा, ठीक है। 6 हॉग्स वर कैप्चर्ड फ्रॉम द बंसबारी रेंज जो कि मानस नेशनल पार्क में इन द 1996 में फॉर द स्टार्टिंग द ब्रीडिंग प्रोग्राम। सो बेसिकली ब्रीडिंग प्रोग्राम इसीलिए किया गया है इनका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। द री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम बिगेन इन द 2008 में, कहाँ पे, विथ द सोनाई रूफाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल ऑफ देम आर इन द आसाम। सो ये रखा गया है कि 2025 तक पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम प्लान के द्वारा 60 पिग्मी हॉग को मानस में रिलीज होगा। सो पिग्मी हॉग के बारे में और थोड़ा सा फुल डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे। सो इसका जो साइंटिफिक नाम है पार्कुला साल्वेनियम, ठीक है। इसका जो फीचर्स है हम देखेंगे, वेरी फ्यू मामल्स दैट बिल्ड इट्स ओन होम और द नेस्ट कंप्लीट विथ ए रूफ, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीसीज है। इसका जो प्रेजेंस है रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ द प्राइमरी हैबिटेंट, द टॉल द वेट ग्रासलैंड ऑफ द रीजियन। सो हैबिटेंट देखेंगे, इट थ्राइव्स इन द वेट ग्रासलैंड में, वंस फाउंड एलोंग ए नैरो स्ट्रिप ऑफ द टॉल एंड वेट ग्रासलैंड प्लेन्स ऑफ द हिमालयन फुटहिल फ्रॉम द उत्तर प्रदेश टू आसाम, थोड़ा नेपाल तराई एरियाज एंड द बंगाल्स द्वार्स, टुडे फाउंड मेनली ओनली द स्मॉल पॉपुलेशन इन द आसाम, क्योंकि इसका जो है पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, बट पहले ये बहुत जो कि हिमालयन फुटहिल में दिखाई देते थे। ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू द पॉपुलेशन जो कि ह्यूमन सेटलमेंट के द्वारा, ठीक है, ये सब के वजह से ये क्या है ना, इनका जो है पॉपुलेशन कम हुआ है,
देन प्रोटेक्शन स्टेटस देखेंगे, IUCN रेड लिस्ट में देखेंगे एंडेंजर्ड है, साइट्स में देखेंगे अपेंडिक्स वन में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल वन में आता है, थ्रेट्स देखेंगे क्या है ना, हैबिटेट ग्रासलैंड लॉस, डिग्रेडेशन एंड इलीगल हंटिंग। और एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, इलीगल हंटिंग भी होता है इनका। ओके, सो दैट्स ऑल। इफ यू आर लाइकिंग दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।